हेलो फ्रेंड्स, अभिमन टू एमिडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो इंजीनियरिंग कम्पिटेटिव एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसकी भी हम अध्ययन कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टाइटल ब्लॉक ऑफ द ड्राइंग सीट। ऑप्शन है सीट नंबर, स्केल नंबर, मेथड ऑफ प्रोजेक्शन और साइज ऑफ सीट। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले एक ड्राइंग की टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक में फ्रेम होता, नेम ऑफ फ्रेम होता है, स्केल होता है, ये मेथड ऑफ प्रोजेक्शन फर्स्ट और थर्ड जो भी रिप्रेजेंट करना होता है उसमें ये बता रहा है, टाइटल होता है, नेम होता है और ये डेट होता है, किसने डिजाइन किया है, किसने ड्रॉ किया है, चेक्ड अप्रूव्ड स्टैंडर्ड और ये लास्ट में सबसे होता है ड्राइंग नंबर। इतने सारी चीज़ें होती हैं लेकिन इसमें कहीं ये नहीं बताया जाता है कि कितने साइज का हमारा सीट है। मेथड ऑफ प्रोजेक्शन भी है, स्केल भी बता दिया गया कि किस स्केल में बना है, सीट नंबर भी बता दिया गया, यानी ड्राइंग नंबर जिसको हमने कहा उस सीट नंबर, तो इसमें साइज ऑफ सीट नहीं बताया गया, तो ऑप्शन डी है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिड्यूसिंग एंगल। रिड्यूसिंग एंगल का मतलब आप समझ लीजिए कि जो एक्चुअल ड्राइंग, एक्चुअल प्रोडक्ट से उसकी ड्राइंग छोटी बनाई जाए। तो पहला ऑप्शन है इसमें सेम बन रहा है, दूसरे में लग तो रहा है कि पहला अगर मान लीजिए कि ड्राइंग एक है तो उसकी आधा में, उसकी आधे में बनाई जाती है 1/2, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये रिड्यूसिंग स्केल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट इज एज्यूम टू बी प्लेस्ड। ऑप्शन है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। उससे पहले हम ये देख लेते हैं किस टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये एंगल क्या होता है। ये देखिए, ये वर्टिकल प्लेन होता है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। इन दोनों प्लेनों से चार हिस्से बनते हैं, पहले भाग को पहला प्लेन बोलते हैं, पहला एंगल बोलते हैं, फर्स्ट एंगल इसको, इसको सेकेंड एंगल, इसको थर्ड एंगल और इसको फोर्थ एंगल बोलते हैं। तो बात कर रहा है फर्स्ट एंगल की, ये फर्स्ट एंगल जो है इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो ऑप्शन इसका सही होगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ऑप्शन ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन था कि इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट इज एज्यूम टू बी प्लेस्ड इन फर्स्ट एंगल, तो ऑप्शन ए फर्स्ट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि इन द फॉलोइंग लाइन इज यूज फॉर विजिबल आउटलाइन। विजिबल आउटलाइन के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस थिक लाइन, कंटिन्यूस थिन लाइन, चैन थिन लाइन और शॉर्ट जिगजैग थिन लाइन, ये नीचे लिखा हुआ है। ये चार लाइनों में से किसका हम विजिबल आउटसाइड के लिए करते हैं, तो विजिबल आउटसाइड के लिए कंटिन्यूस थिक लाइन करते हैं। कंटिन्यूस थिक लाइन जैसे कि ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग है, ये देखिए ड्राइंग, तो इस ड्राइंग की जो आउटलाइन है ये कंटिन्यूस थिक लाइन से ड्रा की गई है। आइए अब जान लेते हैं कि कितने टाइप्स की लाइनें होती हैं। लाइनें 10 टाइप्स की होती हैं, कंटिन्यूस थिक लाइन, कंटिन्यूस थिन लाइन, डॉटेड लाइन, सेंटर लाइन, ये देखिए सेंटर लाइन को ध्यान से देखिए, ये सेंटर लाइन एक लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट बनी होती है और ये होती है सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन और सेंटर लाइन लगभग सेम होते हैं, बस इसके जो दोनों कॉर्नर होते हैं उस पर डार्क बना होता है। ये जिगजैग लाइन है, ये वेव लाइन है, ये डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन यही थिन लाइन ही होती है जिसके दोनों साइड में एरो हेड ना देती है, ये कॉन्टैक्ट लाइन होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन इज यूज फॉर डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन के लिए किसका हम यूज़ करते हैं, अभी बताया था हमने, कंटिन्यूस थिन लाइन का यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस थिन लाइन, यानी बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द डॉटेड लाइन लाइंस रिप्रेजेंट, डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, जो पार्ट्स हमको दिखाई नहीं देते उसके लिए हम डॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं, डॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं, जिन हिडन एजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्राइंग में हम डॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैचिंग लाइन आर डाउन एट डिग्री टू रिप्रेजेंट लाइन। हैचिंग लाइन आर डाउन एट स्पेस डिग्री टू रिफरेंस लाइन। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले ये कोई हैच
हैचिंग किया हुआ एक पार्ट है। इसमें ये वर्टिकल रेफरेंस लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन है, इसको सपोज कर लेते हैं। तो इससे अगर ये जो हैच पार्ट है इसमें जो लाइनें बनी हुई हैं ये सब इधर भी बनी हुई है, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये किसी एंगल पे झुकी हुई हुई है। और ये एंगल होता है 45 डिग्री एंगल, वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि हैचिंग लाइन आर डाउन एट डैश डिग्री टू रेफरेंस लाइन, तो ये होगा 45 डिग्री एंगल, ऑप्शन होगा बी सही, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अलाइंड सिस्टम द डायमेंशन मे बी रीड, अलाइंड सिस्टम जो होता है उसमें डायमेंशन किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, तो वो होता है बॉटम से और राइट हैंड एजेस से, दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है, केवल बॉटम से और लेफ्ट से नहीं पढ़ा जा सकता है, ओनली बॉटम से भी पढ़ा जा सकता है, ओनली फ्रॉम राइट साइड से, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। लेंथ ऑफ द वेट इन केस ऑफ एरो हेड, लेंथ और देखिए ये है एरो हेड, ये एक एरो हेड है, इसकी जो ये लेंथ होती है ये 3 अगर ली जाती है तो इसकी जो हाइट होती है ये इसको 1 लेना पड़ता है। तो इसका जो लेंथ इज टू वेट इन केस ऑफ एरो हेड, तो ऑप्शन सी सही है, 3:1 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, मैट्रिक थ्रेड ऑफ 10 mm डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई, मैट्रिक थ्रेड 10 mm को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो 10 mm है ये रॉन्ग है, M10 जो है बी ऑप्शन ये करेक्ट है। सी में भी आपने देखा ये गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डी में भी नॉन ऑफ दिस इसमें से एक है, नॉन ऑफ दिस नहीं है, इसमें से बी ऑप्शन M10 है। अगर यहीं पर डायमीटर की बात करता तो 5-10 डायमीटर होता है, लेकिन ये थ्रेड है इसलिए M थ्रेड से ही मैट्रिक का जो सिंबल होता है इसको याद रखने के लिए M का मतलब मैट्रिक याद रखिएगा, जिससे कि याद रहेगा मैट्रिक एक टाइप है थ्रेड का, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज, जो पेंटागोनल होता है उसका इंटरनल एंगल होता है ना वो 108 डिग्री का होता है, प्रत्येक एंगल 108 डिग्री का होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी 108 पेंटागोनल में। अगर यही बात कर लें हेक्सागोनल की, तो द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल इज, जो इंटरनल एंगल होता है हेक्सागोनल की वो होता है 120 डिग्री, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पेंटागोनल में 108 और हेक्सागोनल में 120 याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स में। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉ अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन ए सही है, जो ड्राइंग पे हमने लेंथ बनाई है वो और वास्तव में कितनी लेंथ है एक्चुअल में लेंथ उसके रेशियो को हम RF बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। इसका एक वीडियो हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो वीडियो बनाई है उसमें स्केल नाम से टॉपिक अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए। तो आइए बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन निकालते कैसे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का 14 नंबर क्वेश्चन है, अ लाइन ऑफ 1 meter इज सो बाई 1 centimeter ऑन ए स्केल, 1 meter लंबी लाइन को 1 centimeter की 1 centimeter स्केल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन कितना होगा RF, RF इज इक्वल टू एक ड्राइंग पे लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, तो ड्राइंग पे लेंथ 1 अपॉन एक्चुअल लेंथ है 1 meter, 1 meter को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, तो ऑप्शन सी होगा 1/100। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, अ पॉइंट पी इज अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन HP एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन BP, द पॉइंट इज, अगर कोई BP से आगे एंड HP से ऊपर कोई अगर पॉइंट है,
तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर यहीं पे वीपी से पीछे एंड एचपी से ऊपर बोलता तो सेकंड हो जाता, और वीपी वर्टिकल, वीपी का मतलब है यहाँ पे वर्टिकल प्लेन, एचपी का मतलब है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर यहीं पे थर्ड एंगल की बात करता तो एचपी से नीचे और वीपी के पीछे, यानी बैकवर्ड साइड में वीपी के। तो इस टाइप से इसका जो आंसर हुआ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट करें।